अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल? ठीक ठाक है? फिट फाट है? बिल्कुल ओके, जबरदस्त फिट है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन आमीन। गाइस आज हम दो सेट जो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत और बहुत ही मार्केटिंग वाले हैं, बहुत इस वक्त दोनों सेटों की बहुत ही हार्ड सेल है और दोनों हैं भी न्यू मॉडल, दोनों के कंपेयर करने वाले हैं और दोनों सेटों का रिव्यू कराएंगे और दोनों सेट में आपको फीचर बताऊंगा, दोनों के कैमरा कलर ग्राफिक्स जो भी है सारे आज कंपेयर करेंगे, मैं आपको चेक कराऊंगा दोनों सेटों का। जी बिल्कुल, आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, एक है स्पार्क्स का टेक्नो टेक्नो कंपनी का स्पार्क 20 Pro Plus, और जो इस वक्त मार्केट में शार्ट है, बहुत ही अच्छा सेट है, हैंडी सेट है, खूबसूरत डिजाइनिंग और कम प्राइस, अच्छी डिवाइस है, बहुत मार्केट में सेल हो रहा है। और उसके मुकाबले में लाए हैं सैमसंग गैलेक्सी A15, जो इस वक्त ये भी न्यू मॉडल आया है और इस भी मार्केट इसकी मार्केट में भी बहुत अच्छी सेल है, हार्ड सेल है और कस्टमर की डिमांड है ये सेट। ये सैमसंग गैलेक्सी A15 की भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और स्पार्क 20 Pro Plus जो इसके आज कंपेयर में लाए हैं, इसकी भी वीडियो में अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आज दोनों सेटों का कंपेयर करने वाले हैं, दोनों ही अच्छे और हार्ड सेल है दोनों सेट की। आप ये देखते हैं कि इन दोनों सेटों में से कौन सी डिवाइस ज्यादा अच्छी है, अपने व्यूवर को कौन सी डिवाइस ज्यादा अच्छी लगती है। आइए ओपन करते हैं स्पार्क 20 Pro Plus, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भी ओपन करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी A15। ये मैंने आज इसका ग्रीन कलर ओपन किया है, जो आप अपने चैनल पे आप वीडियो अपलोड की थी वो हमने किया था ब्लैक कलर की, ये हो गया ग्रीन कलर। बहुत खूबसूरत डिवाइस है, बहुत अच्छी डिवाइस है, स्लिम स्मार्ट है, हैंडी सेट है, बहुत अच्छी है कलर ग्राफिक के लिहाज से, कैमरे के लिहाज से, और सबसे बड़ी बात यह है कि 3D कर्व में है। ये देखिए आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 3D कर्व में है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले में है, बहुत अच्छी डिवाइस है। जितने इसके फीचर हैं क्या सैमसंग डिवाइस गैलेक्सी A15 इसका मुकाबला करेगी, तो इसी वीडियो में आपको पता चलेगा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपटीशन जो है सारे कंपनियों की, तो इन्होंने पैकिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। अब ये टेक्नो को आपने मैंने सेट ओपन किया, आप इसकी पैकिंग चेक करें, बहुत अच्छी पैकिंग की है। नीचे ये वाला बॉक्स है उसके ऊपर इन्होंने ये बॉक्स भी डाला हुआ है, तो ये सैमसंग की पैकिंग चेक करें आप, ये देखें कंपटीशन जो है बहुत अच्छी पैकिंग कर रहे हैं। इसी कंपटीशन में एक कंपटीशन में तो शॉपकीपर्स और जो व्यूवर हैं हमारे कस्टमर्स हैं उन सब का फायदा हो जाता है। ये देखें, नहीं तो सैमसंग की इस तरह की पैकिंग थी ही नहीं। ये देखो माशाल्लाह, ये भी अच्छी डिवाइस है, खूबसूरत है, स्लिम स्मार्ट है, हैंडी है, बहुत अच्छी डिवाइस बनाई है कलर ग्राफिक के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से। ये देखें, ये भी सुपर अमोलेड डिस्प्ले में है। अब कंपेयर ये करना है कि सुपर अमोलेड क्या सैमसंग वाकई सुपर अमोलेड डिस्प्ले है या टेक्नो सुपर अमोलेड डिस्प्ले है। इसकी शाइनिंग चेक करें आप, खूबसूरती चेक करें, शाइनिंग चेक करें। अब मैं बैक वक्त आपको दोनों डिवाइस दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये देखें, आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, एक हाथ में है सैमसंग गैलेक्सी A15 और दूसरे हाथ में है टेक्नो का स्पार्क 20 Pro Plus। देखिए मैं आपको ये चेक करा रहा हूँ, स्लिम स्मार्ट के लिहाज से, स्लिम स्मार्ट के लिहाज से तो ज्यादा स्लिम टेक्नो स्पार्क 20 Pro Plus है। ये देखें आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, और वो 3D कर्व में भी है, इस तरह भी वो स्लिम थोड़ा लग रहा है आपको, ये 3D कर्व में भी है। और ये देखें, अब कैमरे की शेप भी चेक करें दोनों की, ये सैमसंग के कैमरे हैं, इन्होंने इस तरह लेंथ में बनाए हैं और ये टेक्नो वालों ने बनाए हैं गोल सर्कल में, ये भी टेक्नो के कैमरे हैं। और ये लेदर में है, जो ग्रीन कलर है इसका, ये लेदर में है, जो इसमें तीन कलर हैं, एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है। ये मैंने ग्रीन कलर ओपन किया हुआ है, जो ग्रीन वाला है ये लेदर में है, और इसका जो वाइट और ब्लैक है वो लेदर में नहीं है, ये लेदर है।
मैंने इसे ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन किया मैंने इसे, जब तक ये ऑन होता है इसको भी ऑन कर देता हूँ। मैं आपको इन सर्टन की एसेसरीज चेक करा देता हूँ जब तक ये ऑन होते हैं। ये देखें, ये भी मैंने ऑन कर दिया है। मुझे तो कैमरे की शेप के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, मुझे तो टेक्नो का सेट अच्छा लगा है, जो इसके बैक की खूबसूरती है और जिस तरह इन्होंने बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह कि 3D कर्व में है ना, ये 3D कर्व वाला शशका बहुत अच्छा है, कर्व वाला सेट का शशका बहुत अच्छा है। बाकी अपने व्यूवर की पसंद है, आपने कमेंट्स हमें लाजमी करने हैं कि आपको ना इन दोनों डिवाइस में कौन सी डिवाइस अच्छी लगी है, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। कुछ हमारे व्यूवर हैं जो हमें बाकायदगी से कमेंट्स करते भी हैं, खुशी होते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, वो हमें कमेंट्स करते हैं। और बाकी जो व्यूवर हैं हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं कर पाते, मेहरबानी करके काइंडली आप भी कमेंट्स कर दिया करें, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। तो मैं आपको एसेसरीज चेक कराने लगा हूँ। ये देखें, ये सैमसंग वाले ने तो अडाप्टर दिया ही नहीं है, सिर्फ Type-C to Type-C केबल है। ये देखिए इस वक्त ये Type-C to Type-C है, सिर्फ केबल है, अडाप्टर इन्होंने दिया ही नहीं। और जो टेक्नो वालों ने है, इन्होंने ये अडाप्टर दिया हुआ है, ये अडाप्टर है USB to Type-C है, और ये पिन दी हुई है, और ये इन्होंने केबल दी हुई है, ये केबल है इसकी, और इसकी पिन टेक्नो की ये पिन है और सैमसंग की ये पिन है। सैमसंग इस लिहाज से कुछ भी अपने व्यूवर को नहीं दे रहा, कस्टमर को, हमारे व्यूवर को कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ ये डेटा केबल है Type-C, जबकि ये टेक्नो वालों ने ये ट्रांसपेरेंट भी दिया हुआ है। मैं आपको चेक कराने लगा हूँ, ये देखें ये ट्रांसपेरेंट भी इन्होंने दिया है, ये हो गया, ये ट्रांसपेरेंट है, सॉफ्ट है, अच्छा है, इन्होंने ट्रांसपेरेंट भी दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये 3D कर्व वाला गिलास भी दिया हुआ है, ये भी डब्बे बॉक्स के अंदर है, डब्बे के साथ है, इन्होंने ये फैसिलिटीज दी हुई है अपने व्यूवर को, अपने कस्टमर को, कंपनी ने, टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के साथ। तो ऑन हो गया, मैं इसकी सेटिंग करने लगा हूँ। ये ऑन हो गया, अब इसको सेट करता हूँ। ये भी ऑन हो गया, अब देखें ये चेक करें, मैं आपको ये ब्राइटनेस फुल कर रहा हूँ सेटों की। ये देखें, ये भी सुपर अमोलेड डिस्प्ले में है, जो सैमसंग का है, और टेक्नो का भी सुपर अमोलेड डिस्प्ले में है। ये भी सुपर अमोलेड डिस्प्ले में है, ये मैंने इसकी ब्राइटनेस फुल कर दी, और सैमसंग का भी सुपर अमोलेड डिस्प्ले के साथ है। ये देखिए आप इस वक्त देख रहे हैं दोनों का कलर डिस्प्ले, कलर ग्राफिक्स चेक करें आप इस वक्त दोनों सेटों के। ये आपने बताना है लाजमी कि आपको कौन से सेट के कलर ग्राफिक्स अच्छे लगे हैं, सैमसंग या टेक्नो। यार मैं समझ रहा था शायद कलर ग्राफिक के लिहाज से सैमसंग सिर्फ डिवाइस है हिट, सुपर हिट, लेकिन ये आप कंपेयर जो हो रहा है टेक्नो का भी चेक करें, ये भी कम नहीं है कलर ग्राफिक्स। देखें जिस तरह सुपर अमोलेड लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे कलर ग्राफिक्स भी हैं इसके। मुझे तो कोई फर्क डिफरेंस नहीं है, मुझे तो बल्कि सैमसंग की निस्बत टेक्नो के कलर ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं। या ये 3D कर्व में है, इस तरह इसकी शाइनिंग ज्यादा पड़ रही है कलर ग्राफिक्स में। तो मैं आपको इसकी रैम रोम भी चेक करा दूं, शेयर करता चलूं। जो टेक्नो का सेट है स्पार्क 20 Pro Plus, वो 8 GB रैम है, 8 एक्सटेंड है, और 16 GB रैम हो जाएगी, और 256 GB मेमोरी के साथ है। और जो सैमसंग का A15, ये 6 GB रैम में है, 6 GB रैम है, और 128 GB मेमोरी है इसकी, और टेक्नो की 256 है। और जो सैमसंग वाला है, ये गैलेक्सी वाला A15, इसकी 128 GB मेमोरी है।
ये टेक्नो वाला है, ये 8 GB रैम है, 256 GB मेमोरी में है, और जो सैमसंग का है 6 GB रैम है, 128 GB मेमोरी में है। और मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो दोनों में ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। टेक्नो में प्रोसेसर 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसमें भी 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन टेक्नो में मीडिया टेक का है G99 और इसमें भी मीडिया टेक का है प्रोसेसर। तो बैक कैमरे के बात करूँ तो एक दोनों कैमरे का जो बैक वाला कैमरा है जो सैमसंग का है वो है 50 MP, और जो टेक्नो का है S20 Pro Plus का वो है 108 MP। और सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो सैमसंग का जो सेल्फी कैमरा है वो 13 MP है और टेक्नो का है 32 MP। ये आप दोनों सेटों का मैं आपको कैमरे का रिजल्ट, बैक रियल कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों का चेक कराऊंगा क्या ये 108 MP और ये सैमसंग का 50 MP बराबर है, इनका रिजल्ट बराबर होगा ये कि नहीं। तो बाकी दोनों सेटों की बैटरी जो है वो 5000 mAh है, और जो सैमसंग टेक्नो वालों ने साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया हुआ है, लेकिन सैमसंग ने कोई चार्जर नहीं दिया, सिर्फ टाइप सी टू टाइप सी केबल है। और सुपर अमोलेड डिस्प्ले में है, दोनों दोनों का सेट का जो डिस्प्ले सुपर अमोलेड डिस्प्ले में है, और दोनों ही लाइट वेट में है। जो सैमसंग का है वो 200 ग्राम में है लाइट वेट के साथ, और जो टेक्नो का है वो थोड़ा कम है, वो 190 ग्राम है तो टोटल। और लेंथ में टेक्नो का जो है वो 6.74 है, और जो सैमसंग का है वो 6.4 है सुपर अमोलेड डिस्प्ले के साथ, और टेक्नो का है 6.74 सुपर अमोलेड डिस्प्ले के साथ। और अगर फिंगरप्रिंट की मैं दोनों सेटों की बात करूँ तो फिंगरप्रिंट जो टेक्नो का है वो स्क्रीन के अंदर है, और जो सैमसंग का है आप इस वक्त देख रहे हैं वो स्क्रीन ये वो साइड पे है, स्क्रीन में नहीं है, साइड पे है, और जो टेक्नो का है वो स्क्रीन के अंदर है। मुझे तो इन दोनों सेटों में ये टेक्नो का सेट अच्छा लगा है, लेकिन कंपनी टेक्नो की नस्बत सैमसंग की अच्छी कंपनी है, लेकिन डिवाइस मुझे तो ये टेक्नो की अच्छी लगी है, क्योंकि एक तो ये 3D कर्व में है, खूबसूरती इसकी ज्यादा बढ़ गई है, और सबसे बड़ी बात है इसका फिंगरप्रिंट भी स्क्रीन में है, और ये 3D कर्व और फिंगरप्रिंट स्क्रीन में शशका ये बहुत बड़ा भारी पड़ जाता है। अब मैं आपको दोनों सेटों का कैमरे का रिजल्ट चेक कराने लगा हूँ, ये देखें जो टेक्नो वाला है 108 MP है आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं इस वक्त, और जो सैमसंग का है वो 50 MP है। कलर ग्राफिक्स देखें आप, चेक करें कौन से कैमरे का रिजल्ट अच्छा है, मुझे तो टेक्नो का अच्छा लग रहा है, अब आपने बताना है। ये सैमसंग का भी बहुत अच्छा उसका कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन सैमसंग अगर देखें तो Spark 20 जो Note 20 आया हुआ है ना वो ज्यादा अच्छा क्लियर दिखा रहा है, टेक्नो की नस्बत सैमसंग का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, ये बिल्कुल सेम दिखा रहा है। ये देखें आप, मैं आपको जूमिंग भी चेक करा देता हूँ, 10x है जूमिंग, ये स्पार्क्स वाले को ही कर रहे हैं फोकस, ये देखें स्पार्क्स। अब इसकी भी मैं आपको चेक कराऊं, इसकी भी 10x है जूमिंग, ये नोट आया हुआ है, कौन सा डबल रियल दिखा रहा है, टेक्नो वाला दिखा रहा है, टेक्नो वाला रियल डबल दिखा रहा है, और टेक्नो वाला रियल डबल दिखा रहा है, या कहते हैं जूमिंग में सैमसंग नहीं दिखा रहा। अब ये कंफ्यूजन है कि रिजल्ट कौन सा अच्छा है, आपने बताना है हमें, अब आपने बताना है कि कौन सा रिजल्ट अच्छा है, टेक्नो का अच्छा है या सैमसंग का अच्छा है रिजल्ट कैमरे के लिहाज से। अब मैं आपको सेल्फी कैमरा भी चेक कराता हूँ, ये आ गया फ्रंट कैमरा, जो नीचे वाला है वो कैमरा ऊपर वाला है 32 MP सेल्फी कैमरा, और नीचे वाला जो सैमसंग की डिवाइस है उसका कैमरा 13 MP। मुझे तो ऊपर वाला ही अच्छा लग रहा है टेक्नो का, नीचे वाला अच्छा है। हाँ बहुत ही कंपटीशन है, टफ कैमरे के लिहाज से बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन फिर भी टेक्नो के कलर ग्राफिक्स अच्छे हैं सैमसंग की निस्बत, कैमरे का रिजल्ट भी अच्छा है सैमसंग की निस्बत, टेक्नो खूबसूरती डिजाइनिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा है टेक्नो सेट, बहुत सेल है इसकी। तो मैं आपको दोनों सेटों के जो कलर है वो भी बता देता हूँ, जो टेक्नो का सेट है इसमें 3 कलर हैं, ग्रीन कलर है, वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, ये मैंने ग्रीन कलर ओपन किया हुआ है। और सैमसंग के जो इसमें जो कलर है इसमें भी 3 कलर हैं, एक ये लाइट ब्लू कलर है, ये लाइट ब्लू है लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिल्वर नजर आ रहा होगा, ये लाइट ब्लू कलर है जो मल्टी कलर में भी है, और इसमें तीसरा
ब्लैक कलर है और दूसरा येलो कलर है। इसमें भी तीन कलर हैं, येलो वाइट और ब्लैक। इसमें तीन कलर हैं, ग्रीन वाइट और ब्लैक। तो मैं आपको रेट भी मेंशन करता चलूँ। जो टेक्नो की डिवाइस है ये 8256 में है, ये आपको 56,000 पे मिलेगी, 4 यानी कि 56,000 में। और जो सैमसंग की डिवाइस है इसकी 52,000 की डिवाइस है, ये आपको लेस के साथ मिलेगी 50,000 में, यानी कि दोनों सेटों में 6,000 का डिफरेंस है। 6,000 सेट के डिफरेंस के लिहाज से रैम में भी फ़र्क है, रोम में भी फ़र्क है, प्रोसेसर में भी फ़र्क है, और 3D कर्व में भी फ़र्क है, और फिंगरप्रिंट में भी फ़र्क है। इसका फिंगरप्रिंट जो टेक्नो का है इसके स्क्रीन के अंदर है, और जो सैमसंग की डिवाइस है इसके सब फिंगरप्रिंट साइड पे है। तो ये आपके मैंने आपको सारी कंपटीशन जो इसके सख्त कंपटीशन के लिए से जो फीचर थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब फैसला आपने करना है, आपके कमेंट्स लाजमी करने हैं, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार रहेगा। तो मैं आपको एक सिम स्लॉट भी चेक कराता चलूँ, मैंने आपको सिम स्लॉट अभी तक चेक नहीं कराई, सिम स्लॉट भी मैं आपको चेक कराता चलूँ। इसमें क्या दोनों सेटों में आया कि बैक वक्त भी दोनों सिम में और मेमोरी कार्ड लग जाएगा, या किसी सेट में ऑप्शन है कि दूसरी सिम लगाओ या मेमोरी कार्ड लगाओ। ये इसका साइड पे है सिम स्लॉट, देखें ये सैमसंग की है सिम स्लॉट, 1 सिम में और 2 सिम पे ऑप्शन है बिल्कुल, दूसरी सिम लगाएं या मेमोरी कार्ड लगाएं। ये सैमसंग का है। अब आ जाते हैं टेक्नो की तरफ, टेक्नो के सिम स्लॉट नीचे है, ये मैं ओपन करने लगा हूँ। इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है ही नहीं, 1 सिम में और 2 सिम में मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है ही नहीं। ठीक हो गया व्यूअर, तो अब आपने कमेंट्स कर लाजमी करनी है कि आपको कौन सी डिवाइस रेंज के लिहाज से, फीचर के लिहाज से कौन सी डिवाइस अच्छी लगी है, टेक्नो स्पार्ट 20 प्रो प्लस या सैमसंग गैलेक्सी A15। तो हमारे शॉप की लोकेशन नोट कर लिया, हमारे शॉप का नाम है सिटी फोन लियाकत बाजार ब्लॉक 15 डेरा गाज खान, और हमारे चैनल का नाम है ब्रादर मोबाइल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।